बात तो कुछ भी नहीं, यूं ही आज मौका देखकर मैंने राजा से अपने दो वर मांगे, जो कि एक वर से एक बार आपके पिताजी ने मुझे युद्ध भूमि में दिए थे। एक वर्ष से भरत को राज्य, दूसरे वर्ष से चौथा वर्ष का वनवास तुम्हें। बस तभी से यह इतने व्याकुल है। जी, इसी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता माता की आज्ञा का पालन न करूं तो सारा समाज मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे मां, मुझे पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य है। हाँ बेटा, तुम बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा रखा है। समय को बीतते देर ही क्या लगती है, 10 और 4 14। इस प्रकार एक दिन कल का कम हो जाएगा बेटा। माता जी, यह साधारण सी बात है। कभी देव न करे यदि कोई इससे भी कठिन काम पड़ेगा तो रघुकुल की आन प्राणों के साथ है। आह,
बेटा राम आओ जरा गले लगा लो, अब मेरा अंतिम समय है। आ, आ। माता जी अब आज्ञा दीजिए, जाकर वन की तैयारी करूं। हाँ बेटा, विलंब उचित नहीं है, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। तो फिर अच्छा माताजी, मैं चलता हूँ। माताजी प्रणाम। आयुष्मान पुत्र। पिताजी प्रणाम।